Good morning, students. Our today's topic is dihybrid cross. In dihybrid cross, we consider two characters at a time. That is roundness, that is for the shape, and yellow for the color. So in this cross, we are considering shape as well as the color of the seeds. So this is known as dihybrid cross. डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम दो करेक्टर्स को एट ए टाइम स्टडी करते हैं. यहाँ पे हम राउंडनेस शेप और कलर को स्टडी कर रहे हैं. क्लियर. सो राउंडनेस इज द डोमिनेंट करेक्टर. सिमिलरली येल्लो इज ऑल्सो अ डोमिनेंट करेक्टर. राउंडनेस इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येल्लो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन. रिंकल्ड एंड ग्रीन आर द रिसेसिव ट्रेट्स और करेक्टर्स. So dominant character we represent by the capital letters. Round is dominant, so we are showing this by two alleles, capital R and capital R. Similarly, yellow is dominant, capital Y, capital Y. Recessive traits by small r, small r, small y. Why we are taking two R's? Because from each parent, this all one from the one parent and this other character comes from the other parent. So there are two alleles for each character. इनको हम allele कहते हैं जो हम जो एक individual को अपने parent से मिलता है. Again, at the time of gamete formation, जब इनकी gametes बनेंगे तो ये दोनों alleles अलग हो जाएंगे. हमने पढ़ा है कि meiosis में characters क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, करेक्टर्स हाफ हो गए. तो इन दिस ऑल्सो एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन फ्रॉम दीज टू आर वन आर विल कम एंड फ्रॉम दिस वाई वन वाई विल कम. सो इन द गेमीट ओनली दिस टाइप ऑफ करेक्टर विल कम एंड हेयर स्मॉल आर स्मॉल वाई. एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वेन द टू गेमीट्स विल फ्यूज, जब दोनों फ्यूज करेंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो F1 प्रोजनी बनेगी, जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, उसमें सब सबका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल Y स्मॉल Y. ये R इस R से मिल गया और एक Y से मिल गया. सो ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ F1 जनरेशन विल बी राउंड येलो. राउंड Y राउंड येलो बिकॉज वेन द डोमिनेंट करेक्टर इज प्रेजेंट, हियर कैपिटल R इज डोमिनेंट करेक्टर. वेन डोमिनेंट करेक्टर इज प्रेजेंट, recessive is unable to show its character. Similarly here, capital Y is dominant, yellow is dominant, so green will not show its effect. In F1 generation, all the individuals will be round yellow. Now we will take the two individuals from F1 generation. F1 के दो organisms को ही हम parent बना लेंगे और उनमें आपस में cross करवाएंगे. So कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल Y स्मॉल Y, ये हमारे दोनों पेरेंट्स हो गए. सेम हमने F1 से दो इंडिविजुअल्स लेके अब वो पेरेंट्स बन गए हैं और वो रिप्रोड्यूस करेंगे. व्हेन दे विल रिप्रोड्यूस, फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स विल बी फॉर्म. वो क्यों? यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल R है, कैपिटल Y स्मॉल Y, तो इनमें आपस में कंबाइन करने की पॉसिबिलिटी, फोर पॉसिबिलिटीज बन रही हैं. जैसे कि कैपिटल R कैपिटल Y के साथ कंबाइन कर सकता है या कैपिटल R स्मॉल Y के साथ भी कंबाइन कर सकता है. सिमिलरली स्मॉल R कैपिटल Y के साथ कंबाइन कर सकता है और स्मॉल R स्मॉल Y के साथ भी कंबाइन कर सकता है. सिमिलर टाइप ऑफ फोर पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल हेयर ऑल्सो. ए इन पेरेंट्स से चार डिफरेंट टाइप्स के गेमीट बन सकते हैं. जब ये गेमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो इससे 16 पॉसिबिलिटीज बनेंगी. दैट आई विल शो यू ऑन द नेक्स्ट पेज. जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो 16 पॉसिबिलिटीज बन गई, जिनमें से 9 होंगे राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो एंड 1 विल बी रिंकल्ड ग्रीन. तो F2 जनरेशन में जो रेशियो होगी वो होगी 9:3:3:1. 9 जो होंगे वो डोमिनेंट करेक्टर्स हैं, राउंड भी डोमिनेंट है, येलो भी डोमिनेंट है. 1 जो है वो बिल्कुल रिसेसिव करेक्टर्स हैं, रिंकल्ड भी रिसेसिव है, ग्रीन भी रिसेसिव है. और ये जो 3:3 है इनमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, राउंड डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव, रिंकल्ड रिसेसिव,
येलो डोमिनेंट। सो ये एफ टू जनरेशन की एक रेशियो बन गई है। तो एफ टू जनरेशन में डाईहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो आएगी 9:3:3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ दिस इज दिस वन विच इज़ नॉट इन योर कोर्स जस्ट दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो। दिस इज द फीनोटिपिक रेशियो। फीनोटिपिक मीन्स व्हेन हाउ द इंडिविजुअल अपीयर्स फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड करेक्टर्स को देखकर हम जो बताएंगे वो रेशियो होगी फीनोटिपिक रेशियो। एफ टू क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये रेशियो आती कैसे है, एक अलग से क्रॉस बनाकर आपको दिखाती हूँ। अब हमने ये क्रॉस बना लिया, इसमें इस साइड में जो है एक पेरेंट के गैमीट्स को लिख लिया और दूसरी साइड में हमने दूसरे पेरेंट के गैमीट्स को लिख लिया। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसी तरह के ये सारे गैमीट्स हमने इस तरह रखे। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, दिस फ्रॉम वन पेरेंट गैमीट विल कंबाइन विद द अदर गैमीट। तो पॉसिबिलिटी आ गई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। आर आर को इकट्ठा लिखना है, वाई को इकट्ठा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है। थर्ड ये इसके साथ कंबाइन करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हम कैपिटल लेटर पहले लिखते हैं और स्मॉल लेटर्स बाद में। सो इसका फिनोटाइप क्या होगा, बिकॉज दोनों आर आर हैं तो ये हो जाएगा राउंड, कैपिटल लेटर्स हैं और वाई है तो येलो, इट विल बी राउंड येलो। ये वाला भी राउंड येलो। सिमिलरली दिस विल ऑल्सो बी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। यहाँ पे एक रिसेसिव है पर रिसेसिव अपना करेक्टर नहीं शो कर पाएगा, सो ऑल विल बी राउंड येलो। ठीक है, अब इसी तरह से ये इनको ये अब इन सब के साथ फिर कंबाइन करेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये करेक्टर होगा राउंड येलो। राउंड यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन, दिस इज राउंड बिकॉज दोनों स्मॉल वाई हैं, राउंड ग्रीन। ये भी राउंड येलो, राउंड येलो, ये भी राउंड और साथ में ग्रीन बिकॉज स्मॉल वाई हैं इसमें। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा राउंड येलो। आप इस तरह से सबको बना लोगे। ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल लेटर को हम पहले लिखते हैं, यह हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या हो जाएगा, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। यह दोनों स्मॉल स्मॉल हैं, दैट विल बी रिंकल्ड, राउंड नहीं होगा, ये होगा रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड क्योंकि स्मॉल आर स्मॉल वाले हैं येलो। कैपिटल एक वाई भी कैपिटल हो जाने से वो येलो होगा। नाउ हियर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब ये सबके साथ कंबाइन कर रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये होगा राउंड, एक कैपिटल आर है येलो। व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ दिस, राउंड ग्रीन, दिस वन इज रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। अब हम काउंट करेंगे कि कितने राउंड येलो हैं डोमिनेंट वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपके 9 बन गए राउंड येलो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब राउंड ग्रीन कौन कौन से हैं, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन,
एंड राउंड ग्रीन, दीज थ्री आर राउंड ग्रीन. नेक्स्ट थ्री कौन से हैं? रिंकल्ड येलो. रिंकल्ड येलो कौन सा है? एक वन दिस इज रिंकल्ड येलो, टू रिंकल्ड येलो, दिस थ्री रिंकल्ड येलो. ये जो तीन बनाए हैं ये तीनों आपके रिंकल्ड येलो हो गए, रिंकल्ड येलो. द वन है दैट इज द रिसेसिव ट्रेट दैट इज द रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन. तो अपनी F2 की रेशियो आ गई 9:3:3:1. आई होप दिस क्रॉस इज क्लियर. थैंक यू.